अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आपका जन्नत की बसी में। आपका मेज़बान राव शम्मस अली। मैं ठीक हूँ, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। आज आपके लिए एक नई लोकेशन लेके आया हूँ। तो लोकेशन दिखाने से पहले एक अहम बात है कि मैं अपने सब्सक्राइबर का शुक्रिया अदा करता हूँ, और जो उन्होंने प्यार दिया मैं दिल से उनका थैंक्स करता हूँ। और दोस्तों एक बात और है कि जो मैंने आप लोगों से कहनी है कि मेरे जो वहाँ से एक लेडीज़ आई हैं, उनका चैनल है फैशन वर्ल्ड ऑफिशियल, तो हमें उनकी हेल्प करनी है। हेल्प ऐसे करनी है कि हमारा टॉपिक तो नहीं है, उनके मेकअप का चैनल है, हमारा जिन्नात का है, लेकिन हमें उनकी हेल्प करनी है। तो मेरे चैनल में आपका उनका लिंक मिलेगा, आप उसे सब्सक्राइब करें और उन्हें वॉच टाइम दें। जैसे आपने मेरा साथ दिया, आप उनका भी दें तो आपका बड़ा शुक्रिया होगा। मैं भी उनकी मदद कर रहा हूँ, तो आप भी करें। तो आए दोस्तों, आज आपकी आज जो लोकेशन मैंने आपको दिखानी है उसके बारे में बताता हूँ। ये दोस्तों आप मेरे पीछे एक मकान देख रहे हैं, ये तकरीबन 4-5 माह से बंद है, और बंद होने के दौरान इसके अंदर अजीब अजीब सी हरकतें होने शुरू हो गई। पहले बिल्कुल ठीक था, तो 4-5 माह से ये बंद होने के दौरान इसके अंदर लोग कहते हैं कि आवाज़ें आती हैं रोने की, और कुछ चीज़ें गिरने की आवाज़ें आती हैं। तो हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या वो जन्नात वगैरह हैं या कोई जानवर वगैरह हैं। तो आए दोस्तों आप लोगों को दिखाते हैं। तो इधर कहते हैं वो आग भी लगी थी ऊपर की तरफ, ये आप देख सकते हैं। इधर इसके अंदर अचानक कितनी ज़्यादा आग निकली कि जो ये आप देख सकते हैं, ये बेल वगैरह तो नहीं जली, लेकिन दीवार के ऊपर ये आग लग गई। तो ये आप देख सकते हैं कि ये पता नहीं क्या चीज़ है ऊपर लगी हुई है, जैसे कुछ खून वगैरह हो। ऊपर से अच्छी तरीके कैप्चर करके दिखा देना है। ये आप देख सकते हैं, ये मकान बिल्कुल बंद पड़ा है। तो आप देख सकते हैं कि ये मकान बंद पड़ा हुआ है, तो हम इसके अंदर जाकर देखते हैं। तो पहले ये किचन है, इसके अंदर जाते हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ है, देखते हैं हम, उसके बाद देखेंगे। ये ऊपर कैमरा करें ज़रा, ऊपर की तरफ। इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, इधर सामान वैसे का वैसे पड़ा हुआ उनका। अब इधर से बाहर की तरफ जाते हैं। उधर देखेंगे, वो तो दोस्तों हमने इधर किचन वगैरह देखा, सीढ़ियाँ वगैरह देखी हैं, ये आप देख सकते हैं सीढ़ियों से ऊपर भी कुछ नहीं है। तो अब हम कमरों के अंदर जाकर देखते हैं कि अंदर से कौन सी आवाज़ें आती हैं और क्या होता है। आप देख सकते हैं, ये सुन सकते हैं आवाज़ें, आप सुन सकते हैं आवाज़ें आ रही। ये आवाज़ें आ रही, आप सुन सकते हैं। थोड़ा सा दरवाजों के नजदीक जाके देखें, ये आवाजें आ रही अंदर से। इसके अंदर कुछ है, तो दोस्तों आपने सुना कि आवाजें आ रही इन कमरों के अंदर से। तो हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। जैसे हम इनके पास आए, शोर आना शुरू हो गया, जैसे कोई अंदर से दरवाजे खटका रहा हो।
ये आवाजें बाहर से आनी शुरू हो गई थी, ये आप शोर सुन सकते हैं। बाहर जाके हम देखते हैं, वो देख रहे हैं आपको बोतल वगैरह ले जा रही उधर। उधर देखा जरा, उधर उधर देखा, मुझे लगता है कि इस घर में कुछ ना कुछ है। अब इस कमरे में जाकर देखते हैं, ये आवाजें आ रही किसी रोने की। ये किसी के रोने की आवाज, ये अंदर से फिर कुछ कोई चीज गिरी। ये पत्थर वगैरह किधर से आ रहे हैं, ये ईंटें वगैरह आ रही है इधर से। ये आप देख सकते हैं, ये ईंटें वगैरह आई हैं। मुझे लगता है हमें इधर से जाना चाहिए वापस। ये पीछे भी कोई है, पीछे 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 भी कोई है। ये दोस्तों आप देख सकते हो कि ये काफी, ये आवाजें वगैरह आ रही है, ये चीजें वगैरह हमारे ऊपर फेंकी गई हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये सीढ़ियों के इधर से आ रही थी चीजें। तो हमने पहले विजिट भी किया है इधर, तो कुछ भी नहीं था। तो जैसे हम इधर आए, मेरे चोट भी लगी है मेरे इधर, आप लोगों को दिखाता हूँ मैं कैमरे के बिल्कुल सामने आकर। मेरे जो चोट लगी मेरे सर पे, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं मेरे इधर वो लगा, वो लकड़ी का डंडा वगैरह। ये आपको नजर आ ही रहा होगा, काफी ज्यादा जो चीजें फेंकी गई हैं। ये आप नीचे देख सकते हैं, नीचे दिखाएंगे जरा कैमरा करके। और मेरे ये वाला लगा के इधर लकड़ी का वो पड़ा हुआ था, ये वाला लगा मेरे। उस वक्त कैमरा इधर नहीं था, कैमरा दूसरी तरफ था। तो जैसे मैं इधर बाहर को जाने लगा तो मेरे इधर आके लगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं लगा मेरे। इस घर में कुछ तो है, लेकिन हम एक कमरे में गए थे, दूसरे कमरे में अभी गए नहीं। तो बाहर से आवाज़ें आने शुरू हो गई, तो हम अंदर जाके देखते हैं फिर भी दोबारा। आप देख सकते हैं ये भी कमरा बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। तो दिखाएं आप जरा कैप्चर करके, बेड के नीचे दिखाएं। ये फिर आवाज़ें आनी शुरू हो गई हैं।
कुछ ना कुछ तो है इधर जरूर। फिर पीछे से आवाजें आ रही हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि काफ़ी ज़्यादा इधर हमारे साथ मसले हुए, मुझे भी चोट लगी। ये किसी की रोने की आवाज़ आ रही है, हम अभी कमरों के अंदर गए थे तो कुछ भी नहीं था, तो अभी फिर रोने की आवाज़ आ रही है। तो मेरा ख्याल हमें इधर से जाना चाहिए, तो दोबारा इस घर को हम लॉक कर देते हैं। काफ़ी ज़्यादा इधर कोई ना कोई एक्टिविटी हो रही है, मुझे भी चोट लगी और मेरे साथ एक दो लड़के भी हैं, उनको भी चोट वगैरह लगी हैं हमारे ऊपर। ये आप आवाज़ें सुन सकते हैं, ये अंदर से फिर रोने की आवाज़ें आ रही हैं। मेरा ख्याल है कि अंदर कोई रो रहा है नीचे बैठकर। पीछे 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 अस्तगफिरुल्लाह, अंदर कोई बैठा हुआ नीचे फर्श पे, ब्लैक कलर के उसके कपड़े वगैरह हैं। मेरा ख्याल हमें जाना चाहिए। वो चीज़ जो नीचे बैठ कर रो रही है, उसके ऊपर काफी बड़े बड़े बाल हैं और ब्लैक कलर के उसके कपड़े हैं। ये आप देख सकते हैं ये बैठी हुई क्या चीज़ है। हमें इधर से जाना चाहिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इधर मसले हो रहे हैं। कौन हो तुम? कौन हो? ये आगे से आवाज़ नहीं दे रही, कोई चड़ैल वगैरह ही है ये तो।